हे गाइस, मैं हूं तनय पांडे, आप देख रहे हो टेक्सीडस। तो गाइस, आज हम लोग पाइथन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, हम लोग मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए है, पाइथन ट्यूटोरियल्स। तो इसमें मैं आपको बिगनर टू एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा पाइथन को। ओके, हम लोग जीयूआई तक डिस्कस करेंगे, सॉकेट प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे, मेनी अदर टॉपिक्स। ओके, सो इसकी 25 से 30 वीडियोस रहेंगी। ओके, सो we will now start with the python. okay, so होता क्या है एक्चुअली, पाइथन होता क्या है? वो सांप वाला नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक्चुअली नॉट प्रोग्रामिंग, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैं आगे बताऊंगा आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या अंतर होता है। ओके, सो ये बेसिकली इन्वेंट करी गई थी गुइडो वैन रोसम से, और ये नीदरलैंड्स के एक बंदे थे। ओके, और अबाउट इन 90s, अर्ली 90s में इसे डेवलप किया गया था। ओके, सो वहाँ पे एक सर्कस हुआ करता था नीदरलैंड्स में, उसका नाम था मोंटी पाइथन। उन्हें वो बहुत पसंद था गुइडो वैन रोसम को, तो उनने उसी के नाम के ऊपर ही पाइथन नाम रख दिया। किसका? अपनी लैंग्वेज का। तो ओपन सोर्स से क्या मतलब है? ओपन सोर्स का ये मतलब है कि आप बिना किसी पैसे के दिए आप इसको यूज कर सकते हैं, इस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। ओके, सो इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसका अंतर आगे समझाता हूँ। ओके, इट इज स्केलेबल, इसका भी मतलब मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि ऑब्जेक्ट पे फोकस रखने वाली। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटीज होते हैं। रियल वर्ल्ड एंटिटीज से मतलब क्या? ऑब्जेक्ट आपका एक चेयर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो नाउ तो आप लोग इसे डाउनलोड कैसे करेंगे? ये जो ऊपर लिंक दिया हुआ है https, ये www.python.org/download से लिंक दिया हुआ है। ओके, यहाँ से आप जाएं और पाइथन 3 point something जो भी अभी वर्जन चल रहा हो वो डाउनलोड कर लो। ओके, अब इसके बारे में क्यों हम पाइथन ही क्यों चूज कर रहे हैं, पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हैं? पाइथन इज अ इजी टू लर्न लैंग्वेज, इसका सिंटेक्स बहुत ही छोटा है। हाईली पोर्टेबल से क्या मतलब है? हाईली पोर्टेबल से ये मतलब है कि आप एक कंप्यूटर बनाओ, दूसरे पे चलाओ, कहीं भी चलाओ। ओके, क्योंकि इसका जो रहता है ये डायरेक्टली ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता है। ओके, ये क्या करता है? बीच में एक पाइथन वर्चुअल मशीन रहती है, तो जो हम लोग कोड लिखते हैं वो पहले वर्चुअल मशीन के पास जाता है और फिर वो कन्वर्ट होकर के तब हार्डवेयर के पास जाता है। डायरेक्टली हार्डवेयर से अगर इंटरेक्ट करता रहता तो वो तो मशीन डिपेंडेंट हो जाता। ओके ना, अब भाई मशीन इंडिपेंडेंट बनाना है तो एक बीच में एक बंदा लगा दिया, पाइथन वर्चुअल मशीन, वो कन्वर्ट करता रहेगा। ओके, एक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल का मतलब है कि एक्सटेंड हो सकता है, इसमें काफ़ी लाइब्रेरीज हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं ये चीज़ें। अब आपको एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ पाइथन की, कि ये 69 लैंग्वेज से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है, मतलब पूरा भाई पूरा चोरी का माल है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उठाया गया, कहीं ना कहीं से जावा से कुछ कॉन्सेप्ट, C++ से कुछ कॉन्सेप्ट, ओके, रूबी से कुछ, C# से कुछ, फैमिलियर से कुछ। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसमें लिए गए हैं। ओके, सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंतर क्या होता है? एक्चुअली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो रहती है, ओके, वो इंटरप्रेट होती है, और जो हमारी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है वो कंपाइल होती है। अब कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? अब मान लो कोई बंदा स्पीच दे रहा है और वो इंग्लिश में बोल रहा है। ओके, आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो किन किन तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है? या तो वो लाइन बाय लाइन बोलता जाए, जैसे उसने कुछ बोला और वो एक लाइन उसने बोली और एक बीच में अपने बंदा लगाया हुआ है, और वो क्या करेगा कि उस लाइन को तुरंत ही हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता देगा, है ना। एक तो ये तरीका हो गया, इसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। ओके, जो बीच में बंदा उसे कहेंगे इंटरप्रेटर। अगर दूसरा जो तरीका है इसमें ये है कि एक बंदा रहे, ओके, और किसी ने स्पीच पूरी दे दी और उसके बाद पूरा का पूरा एक बार में उठा करके और कन्वर्ट करके आपको पकड़ा दे। ओके ना, सो
अब ये होता है कंपाइलेशन, ओके यही होता है। तो कंपाइलेशन में तो रनिंग लैंग्वेज करती है और इंटरप्रिटेशन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करती है। कुछ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के नाम PHP है, पाइथन है, पर्ल है, रूबी है, जावास्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती हैं सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, सैमुएल 67, जावा, XML, SQL, ये सब कंपाइल करी जाती हैं, ओके इनके प्रोग्राम्स कंपाइल होते हैं। सो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, भाई सब्सक्राइब कर दो।